नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। एसएससी सीएचएसएल का जिनका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ है, जिनके कम से कम 2 दिन का भी टाइम है, तो मेरा भाई आप सभी के लिए एक सजेशन है कि आप करो, क्या सीजीएल का जो टायर 1 का आंसर की आया हुआ है, आप उसके मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन को पूरे से पूरे लगा डालो, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम शिफ्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं अगर बताऊँ तो आपको 3 से 4 टाइम उस शिफ्ट के क्वेश्चन को लगा डालो भाई, आपको एज इट इज़ एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे, एज इट इज़ इन द सेंस कि आपको सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग के। अभी हम लोग जो आपको प्रॉब्लम एग्जामिनेशन हॉल में जो होगी एग्जैक्ट, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग को इन्होंने पूरा कैलकुलेटिव बनाया। अगर कोई आपको बोल रहा है रीजनिंग ईजी आ रही है, तो बिल्कुल रीजनिंग ईजी नहीं आ रही, ना ही मैथ्स ईजी आ रही है। अब हो सकता है कि बहुत लोगों का बहुत अच्छा होगा मैथ्स, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूरा पेपर को कैलकुलेटिव बनाया है, जैसा कि सीजीएल टायर 1 का मैथ्स का पेपर आया हुआ था। दूसरा चीज़, अगर आप मुझसे पूछोगे कि पहला कौन सा अटेम्प्ट लेना चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस में, तो मैं आपको सजेशन दूंगा इंग्लिश को जो है आप सबसे पहले प्रायोरिटी दो अटेम्प्ट करने के, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग कैलकुलेट मतलब सॉल्व करने के बाद आपको पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि आप इंग्लिश और जीएस, या तो इंग्लिश को टाइम दे पाओगे या तो जीएस सेक्शन, मतलब कोई एक सेक्शन में जो है आपका मतलब टाइम कम पड़ जाएगा, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में फील होगी कि आपके पास टाइम ही नहीं बचा। मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आपका अगर इंग्लिश पे अच्छा कमांड है, प्रीवियस ईयर के ऊपर अच्छा आपने पकड़ बनाया है, वो कैप्स अच्छा किया है, तो आप इंग्लिश सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना। देखिए, 10 से 12 क्वेश्चन तो आप इजीली वो कैप्स से ही अटेम्प्ट कर लोगे। एडियम फ्रेज आपका, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, साइनो एंटो स्पेलिंग के ऊपर ही, ग्रामर से जो है वो जो आपका है, एक तो वॉइस से क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच 1-2 क्वेश्चन वो पूछ लिए जा रहे हैं, पैरा जंबर और आपका जो है क्लोज टेस्ट से एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, और जो ग्रामर में वर्ब का पोर्शन से ज़्यादा इन्होंने फोकस किया। तो ईजिली आप इंग्लिश अच्छा स्कोर कर जाओगे। लेकिन मैथ्स की अगर मैं बताऊँ और रीजनिंग की, तो मैथ्स और रीजनिंग कैलकुलेटिव आ रही है भाई। मेरा तो यही सजेशन है, आप यही करो कि सीजीएल का पेपर आप लगा डालो, एज़ इट इज़ आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सीजीएल टायर 1 का जो अभी आंसर किया है हुआ, और जीएस का इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, इतना उठपटांग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका कोई मतलब कि ये नहीं है। तो जीएस अभी छोड़ दो, करंट अफेयर जो लोग भी अगर पढ़ रहे होंगे अभी भाई, तो करंट अफेयर का भी इन्होंने ऐसा ऐसा क्वेश्चन डाल रखा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अगर फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी जितने भी मिनिस्ट्री वगैरह का जो भी अलॉटमेंट हुआ है, न्यू मिनिस्ट्री वगैरह है, दूसरा जो कंपनी वगैरह से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, जैसे एमएसएमई का कौन अभी चेयरमैन वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चन, एक बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दूसरा कुछ कुछ सिटी से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, अगर कोई एयरपोर्ट वगैरह बना तो इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछा गया है। क्रिकेट और अवार्ड जरूर अच्छे से कर लेना, लेकिन मेरा मैथ्स और रीजनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है कि भाई मैथ्स और रीजनिंग के लिए सीजीएल का पेपर लगा डालो, जितने 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितने लगा सकते हो लगा डालो, बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि जो मैथ्स पेपर है बिल्कुल कैलकुलेटिव है, रीजनिंग मैथ्स में मैं आपको बता दूँ तो डीआई का जो पेपर आ रहा, बहुत मतलब डीआई जो क्वेश्चन पूछा जा रहा बहुत ही अच्छे लेवल का पूछा जा रहा, टाइम लग रहा है चीज़ों को समझने में, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जा रहा है, डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन है, CISI कंबाइंड करके पूछा है, मतलब SI का भी और CI की चीज़ दोनों एक ही क्वेश्चन में उन्होंने यूज़ कर लिया, मतलब CI 2 ईयर का पूछ लिया और SI का उन्होंने 10 ईयर पूछ करके उन्होंने उसका डिफरेंस करके इस तरह से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। प्रॉफिट एंड लॉस में उन्होंने मार्क प्राइस और डिस्काउंट मिला करके दिया, उसमें आपको सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस पूछ लिया गया है, मतलब पेपर एज इट इज़ मैं कहूँ तो कैलकुलेटिव है। उसके बाद ज्योमेट्री की भी अगर मैं बात करूँ तो ज्योमेट्री में भी अच्छा आपको जो है, अगर प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छी पता है तो वहां पे आप यूज कर लोगे, अदरवाइज वहां पे भी आपको टाइम टेकिंग लगेगा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में इजी है, थीटा वेस्ट क्वेश्चन है जो इजीली आप कर लोगे, लेकिन ऑल ओवर अगर मैं बताऊं तो आपको टाइम की कमी फील हो जाएगी एग्जामिनेशन में अगर आप इस तरह से अगर चलोगे तो। इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना सीजीएल टायर 1 का पेपर का। रीजनिंग में सेम एनालॉजी वगैरह पे ज़्यादा फोकस इन्होंने किया, तो एनालॉजी वगैरह कर लेना कैलेंडर वगैरह से, तो अभी तक ऐसा मुझे पता नहीं चला कि क्वेश्चन आए, पता नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो, स्किप कर सकते हो। ठीक, तो यही मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है कि टायर 1 की लगा डालना मैथ्स और रीजनिंग के, एटलीस्ट जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है। और दूसरी बात है जियो, आपको मैंने बताया करंट अफेयर अगर जो आप पढ़ रहे हो तो जो जो टॉपिक मैंने बताया वो कर डालो। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।